हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, अब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और दिनेश गया था आज एग्ज़ाम देने, तो अभी भी आ गया है। तो यहाँ पर ये खा ले रहा है पुलाव। आज दोपहर के लंच में पुलाव ही बनाया, आपने पहली वीडियो में देखा होगा। ये शादी में गए तो वहीं पर लंच करके आ जाएंगे, इसीलिए मैंने रोटी सब्जी कुछ बनाई नहीं, बस हल्का फुल्का पुलाव बनाया था। तो हम सब ने खाना खा लिया है। खाना पीना होने के बाद में दीपक पढ़ाई कर ले रहा है, दिनेश टीवी देख रहा है और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ साड़ी का पल्लू सीने। तो टॉवल वगैरह ऐसे ही पड़े हुए, तो ये फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये साड़ी का जो पल्लू एक साइड का खुला हुआ है तो उसे सिला नहीं मैंने, ऐसे पहन ले रही थी तो इसके धागे कुछ ज़्यादा ही निकल गए। और एक साइड तो इस तरह से ये सिला हुआ लेस लगी हुई एक साइड, और एक साइड का पल्लू जो है खुला है इस तरह से। बिना सिले ही साड़ी मैंने 2 से 3 बार पहन लिए ऐसे, तो इसके धागे कुछ ज़्यादा ही निकले हैं। और एक साइड तो सिला हुआ है, उसमें लेस वगैरह लगी हुई है, मगर इस साइड इस तरह से खुला है तो इसके धागे निकल रहे हैं। तो ये जो निकले हुए धागे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैंने अच्छे से कट कर लिया, इस लेवल में कर लिया है। अब हम ये पल्लू सी लेते हैं। तो मशीन में धागा पहले ही डाला हुआ है, तो काला धागा है तो कोई नहीं दिखता नहीं इसमें। और वैसे भी अंदर के साइड का पल्लू है, साड़ी के कलर का मैचिंग का धागा होता तो डाल देती, मगर है भी नहीं मेरे पास, एक काली रीली थी तो वही लगा दिए। ये देखिए, बस 5 मिनट लगे मुझे पल्लू सिलने में, मगर टाइम नहीं मिल पा रहा था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार सिलने बैठो तो बस 5 मिनट लग जाता है इसमें, मगर कभी कभी हम ना आलस कर देते हैं तो इसी वजह से काम पीछे पड़ जाते हैं। वैसे ही मैंने 2 से 3-4 बार पहन ली साड़ी, मगर सिलना नहीं हो पाया। हाथ सिल कर रख दे रही हूँ, तो अच्छे सिल के इसे फोल्ड करके रख दिया है। अब रात का टाइम हो रहा है और दीपक के साइकिल अंदर रख दे रहा था, इस साइड कंपाउंड में रख देता है, मगर देखिए वहाँ रखते रखते ये अंदर ही ले आया है साइकिल। बाहर अंधेरा हो गया है तो अब बोल रहा है कि हॉल में खेलेगा थोड़ी देर। बस सुबह से शाम, शाम से सुबह तक कितनी साइकिल खेलेंगे बच्चे। हॉल से डायरेक्ट किचन में चला गया, फिर बाद में बेडरूम में, फिर से हॉल से अब बाहर जा रहा है। बोल रहा है मेरी साइकिल किचन रूम देख लेगी मम्मी। कितनी साइकिल खेलते हैं बच्चे, दिन भर तो साइकिल पर ही रहते हैं, अब रात के टाइम भी साइकिल को सुकून नहीं है। तो देखिए अब बाथरूम में जा रहा है, बोल रहा है सारे घर, बाथरूम बेडरूम सब दिखा रहा हूँ साइकिल को। तो साइकिल खेलते खेलते देखिए सुबह से शाम हो गई। खाना वाना खा के बाद में साइकिल कंपाउंड में लगा कर रख दी थी दीपक ने, फिर सुबह उठ के फिर से अंदर लेके आया है। और दोनों भाई मिलके साइकिल साफ कर रहे, इसमें धूल धूल सा हो गया है। और ये जो नई साइकिल आई थी तब ये कवर लगा हुआ था, इसमें निकाला नहीं था ये बच्चों ने, तो आज ये कवर भी निकाल रहे। बोल रहे कवर अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा धूल धूल सा हो गया है। तो ये काफ़ी मजबूती से कवर लगाया है यहाँ पर, तो उसे कैंची से कट कर करके निकाल रहे। और दिनेश यहाँ पर इसके जो टायर है, क्या क्या लगा हुआ है उसमें, वो सब निकाल कर साइकिल को अच्छे से साफ करके बाहर रख दिया है। अब हम ये थैले निकालेंगे यहाँ से, ये जवार के थैले हैं, 8 दिनों से यहीं पर लगाए हुए हैं तो हॉल में अच्छे नहीं लग रहे, ऊपर स्टोर रूम में रख देंगे। तो चावल दाल जवार जो भी आता है वो सब हम स्टोर रूम में रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अभी किसी ने नहाया नहीं है, सारे क्लीन के काम हो गए, दूध गर्म करके रख दिया है। पहले हम जवार की बोरियाँ सारी ऊपर लेके गए हैं, हॉल में अच्छा नहीं लग रहा है तो ये दरवाज़ा खोल दिया हमने यहाँ से, थोड़ा सा पास में हुआ, अगर वहाँ से घूम के जाएंगे तो थोड़ा सा दूर पड़ेगा। तो इसमें से मैं 2 भाग कर दी थी, इस तरह से 4 थैले हैं, आधा आधा कुंटल के। तो देखो सुन रहा है, पूरा एक थैला उठा कर ले गया है, तो दूसरे मंजिल पर जाना है हमें थैले लेके। तो 2 भागों में करके हम सब साथ में लेके जाते हैं, सुन रहा है, तो एक लेके चला गया ऊपर। तो ये सारे मैं ऊपर ले जाकर रख दूँगी, हॉल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है थैले से। एक आधा कुंटल की बोरी दीपक ऐसे बिना सुने लेके गया, बहुत वजनदार है। और वैसे भी सीधे रास्ते से चलते तो उतना ज़्यादा वज़न नहीं होता है, मगर सीढ़ियों से चढ़ना है ऊपर तो बहुत पैरों में दर्द होगा। तो फिर बाद में मैंने 2 भागों में कर दिया है, आधा आधा कुंटल के जो थैले है इसमें से 2 भाग कर दिए हैं, बहुत वजनदार है। मुझे तो आधा भी नहीं जाएगा इसमें से, मगर दीपक पूरा आधा कुंटल का थैला ऐसे पीठ पर उठा कर लेके चल रहा है, जैसे हमाल लेके चलते हैं। तो मैंने एक थैला खोल के इसके 2 भाग कर दिए इस तरह से, इस वाइट वाली थैले में आधा डाल दिया है और आधा उसी में रख दिया है। तो आधा लेके चलते हैं, अब मैं एक लेके चलती हूँ और दीपक एक।
तो यहाँ से थोड़ा सा पास में पड़ेगा, इसलिए ये गेट खोला है हमने। अगर उस साइड से चले जाते तो थोड़ा सा दूर पड़ता। तो दीपक एक थैला लेकर गया है और मुझे तो मना कर दिया, बोल रहा था मम्मी मत लाओ मैं सब लेके जाऊँगा, बस बैठ के दो भाग कर दो सबके। बाद में मैं थैला यहीं पर रख दिया है और ये जो और एक थैला है इसे खोल के मैं दो भागों में कर दूँगी। सारे आधे आधे कुंटल के जो थैले हैं ज्वार के उन्हें मैं दो भागों में करके रख देती हूँ। सारे दीपक ऊपर लेके जाएगा और दिनेश ने वो बाहर गया है साइकिल लेके। तो इसी तरह से सारे थैले हमने ऊपर ले जाकर रख दिए हैं। यहाँ पर ज्वार भी फैल गई पूरे हॉल में, तो ये सारी ज्वार में भर के रख देती हूँ और हॉल भी अच्छे लगने लगा है थैले निकालने के बाद में। तो यहाँ का गेट मैंने बंद कर दिया, यहाँ का गेट जब खोलते तो अच्छा नहीं लगता है हॉल, तो ये गेट बंद करके मैंने पर्दा यहाँ पर लगा दिया है। अभी ज्वार सारी भर के रख दूंगी। सुबह एक बार घर की साफ सफाई हो गई है और ये थैले निकालने के बाद देखिए बहुत सारी धूल धूल भी हो गई है और ज्वार भी फैल गई है। और ये गैरेज गए थे चाय पी के, गैरेज का सामान घर में रहता है तो ट्यूब वगैरह कुछ चाहिए होगा ही नहीं, तो इसीलिए आए हैं। तो ज्वार सारी भर कर रख दिए हैं, अब नहा लेते, बहुत लेट हो गया है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप दोपहर के एक बज रहे और आज मुझे काम करने में ना बहुत लेट हो गया था। जैसे आपने देखा होगा ज्वार वगैरह ऊपर ले जाकर रख दिए, तो ये सारे काम करती रही, फिर पूरे हॉल में झाड़ू लगा दी, पूरी ज्वार फैल गई थी हॉल में, फिर साथ ही साथ पूरे घर में ही झाड़ू लगा दी मैंने, धूल धूसा हो गया था। फिर बर्तन क्लीन किए, सबके नाश्ता बना कर दे दिया, तो नहा ये सब काम करने में बहुत लेट हो गया। और फिर नहाने में मुझे 12 बज गए थे दोपहर के। फिर नहाकर मैंने पूजा कर ली और आज मेरा व्रत भी सोमवार का दिन है। फिर चाय भी पीने का मन नहीं हो रहा था मेरा, फिर मैं आ गई बिस्तर पर। बहुत गर्मी होने लगी थी और ठंडे पानी से ही नहा लिया, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बिल्कुल हवा नहीं है। खिड़की खुली है फिर भी हवा नहीं आ रही है और फैन की भी हवा एकदम गर्म आ रही है। और कूलर भी ऊपर वाले रूम में ले जाकर रख दिया हमने दीपक दिनेश के लिए, ऊपर वाले रूम में बहुत गर्मी होने लगी है। और कूलर एक ही है तो ये ऊपर ले जाकर रख दिया, तो फैन की हवा गर्म आ रही है, खिड़की से भी ताज़ी हवा बिल्कुल मिल नहीं पा रही। इस वक्त सुबह के टाइम बहुत अच्छी हवा चलती है, मगर तब मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो हवा में ले नहीं पाती, उस हवा का आनंद में नहीं ले पाती, उसको एंजॉय नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं उस टाइम। और इस टाइम थोड़ा सा बैठ जाती हूँ तो हवा नहीं रहती है, तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और खाना भी नहीं खाऊंगी, अभी व्रत है तो ये आने के बाद ही खाना खा लेंगे हम, लंच कर लेंगे। दोपहर का लंच करते करते हमें 2:30 बज जाते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ठंडा बनाकर पी लूँ, व्रत भी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी गर्मी में कुछ ठंडा पिया जाए। तो आपने देखा होगा कल वाली वीडियो में फ्रिज में मैंने आम रख दिए हरे, तो आम फ्रिज में रखे हुए तो उसकी कुछ ठंडाई बना लेते हैं, तो कुछ पीने के लिए हो जाएगा ठंडा ठंडा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और वैसे भी गर्मियों के दिन स्टार्ट है, तो आप भी ये बना सकते हो, बनाना एकदम आसान है और बहुत टेस्टी लगेगा। और हरे आम इस वक्त आ भी रहे मार्केट में भर भर के, तो चलिए बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, बना लेते हरे आम का शरबत। और आपको एक बार हॉल दिखा दूँ, तो देखिए यहीं पर थैले रखे हुए थे तो सारे हमने उठाकर ऊपर रख दिए हैं, तो यहाँ पर खाली खाली हुआ है हॉल में, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये है पीसने के लिए ज्वार, लेकिन निकाली थी मैंने, फिर बाद में चक्की चल नहीं पाई, उसे क्या हो गया, क्या वोल्टेज की प्रॉब्लम है, इस चक्की में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है कुछ समझ में नहीं आया। पूरे 1 घंटे लग गई थी मैं इसमें, फिर भी चल नहीं पाई और मैं आटा पीस नहीं पाई। तो बाद में बड़ी वाले चक्की को मैं ज्वार दे दूँगी पीसने के लिए, बिल्कुल भी आटा नहीं है। फिर आने के बाद देख लेगी कि उसे क्या हो गया है, अगर सही नहीं हो पाई तो उसे मैकेनिक के पास ही लेके जाना पड़ेगा। तो इसी में ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, आज नहाते नहाते बहुत लेट हो गया, मुझे ये काम जल्दी से ख़त्म ही नहीं हुए। जैसे डेली साफ सफाई के काम, किचन के काम लगे रहते हैं, मगर आज कुछ एक्स्ट्रा ही काम हो गए मेरे। जैसे ज्वार ऊपर ले जाकर रख दी दीपक दिनेश में तीनों मिल के, फिर बाद में वो चक्की के पीछे लगे 1 घंटा, उसी में टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में। फिर बाद में खाना वाना बना, सबके लिए पूजा हो गई, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो रेस्ट भी नहीं कर पाई। तो अब बना लेते हैं आम का शरबत। तो चलिए फ्रिज में से आम निकाल लेते हैं। और इससे ये चीज फल्ली रखी हुई है, एक ही बची है, तो उसको दाल में डालकर बना लेंगे। तो ये रहे आम। पहले तो हम सारे आम धो लेंगे। तो
छोटे आम है और 3 बड़े आम है। तो सारे आम मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब हम इसके ऊपर के साइड का थोड़ा थोड़ा सा ये जो डंठल का हिस्सा है वो निकाल देते हैं। और ये आम खाने में बहुत खट्टे हैं तो ऐसे खाए नहीं जा रहे, मगर शरबत बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये आम अच्छे से धुल के इसके आगे का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा काट के फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसे पकने के लिए रख देते हैं। इसमें 2 सीटियाँ लगा देंगे, आम हमारे एकदम परफेक्ट पक जाएंगे। जब तक आम पक रहे तब तक हम यहाँ पर एक गुड़ वगैरह इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। तो गुड़ को इस तरह से मैंने सारे गुड़ को ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम जीरा भून लेते हैं। इस शरबत में जीरा भून कर रख दिया है। अब यहाँ पर इलायची पहले हम बारीक कूट लेंगे, इसमें इलायची पाउडर भी पड़ेगा। तो इलायची छील ली, इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर इसे एकदम महीन हम इस तरह से कूट लेंगे। चीनी डालने से एकदम जल्दी से बारीक हो जाती है इलायची। यहाँ पर इलायची का पाउडर बनाकर रख दिया है। अभी जीरा भी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे भी कूट के इसका पाउडर बना लेंगे। और काले मिर्च का भी पाउडर पड़ेगा इसमें, तो काले मिर्च, जीरा, इलायची ये सब हम एकदम बारीक कूट के इनका पाउडर बनाकर रख देंगे। जब तक मैं सारे मसाले तैयार कर रही थी तब तक आम पक चुके हैं। और इसमें 2 सीटियाँ लगानी थी मुझे, मगर 3 सीटियाँ लग गई इसलिए आम कुछ ज़्यादा ही पक गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं थाली में और अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो ये आम अच्छे से ठंडे हो गए। पहले हम छिलकों का पल्प निकाल लेते हैं। आम अच्छे से पकने के बाद इनका पल्प अच्छे से निकल जाता है। तो देखिए चम्मच से मैं छिलके में के जो भी पल्प है वो सारा निकाल रही हूँ। अब हम इन गुठलियों का भी सारा पल्प निकाल लेते हैं। तो इन जो बड़े आम थे उनमें कुछ ज़्यादा ही पल्प निकला है और जो छोटे थे उनमें थोड़ा सा पल्प निकला है। तो सारे 3 छोटे आम थे, 3 बड़े आम थे, तो सारे आम का पल्प यहाँ पर 1 से 1.5 कटोरी पल्प निकल आया है। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। यहाँ पर एक ग्रेट किया हुआ गुड़ डालेंगे इसमें। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हो पीस के। अब डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच काले मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर। अब डालेंगे स्वादानुसार काला नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हो, और मिक्सी में चलाने से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसी तरह से चम्मच से मिलाकर हम इसे ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे फिर से मिला लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से इस पल्प में मिल चुके हैं। अब हम ये मिश्रण एक कंटेनर में भर कर रख देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। ये 10 से 12 दिनों तक ऐसे ही टिका रहता है, एकदम ताज़ा बना रहता है। और जब भी आपको शरबत पीने का मन है तब आप 1 गिलास ठंडा पानी ले, उसमें 2 चम्मच आम का पल्प डालें और शरबत बना लें, बहुत झटपट बन जाता है। अब हम यहाँ पर 2 गिलास शरबत बना लेते हैं। तो शरबत बनाना एकदम आसान है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आए हो तो इस तरह से आप ये आम का पल्प बना कर रख दें और मेहमान आते ही तुरंत 1 मिनट में शरबत बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ग्लास में मैंने 2 चम्मच ये आम का पल्प ले लिया। इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी, अगर मटके का पानी हो तो मटके का डालिए, अगर मटका नहीं तो फ्रिज में का डालिए। डाल के हम इस तरह से अच्छे से घोल लेंगे। अगर आपको इसमें अलग फ्लेवर देना है तो आप इसमें 2 पुदीने के पत्ते इस तरह से क्रश करके डाल सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए शरबत तैयार है। तो दीपक कुछ ज़्यादा ही टेंशन में, इसके एग्ज़ाम चल रहे तो पढ़ाई कर रहा था ये, तो इसे दे दिया, इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ये ठंडा ठंडा आम का शरबत पी के। अब मैं दिनेश को भी दे रही हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है और पीने में एकदम मज़ेदार।